सत श्री अकाल दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो घुटनों का दर्द है वो हमने मैग्नेट थेरेपी से कैसे ठीक करना है। जो हमारे हाई पावर मैग्नेट होते हैं उनसे कैसे ठीक करना है, पहले हम बेटा पैर पीछे कैसे, ये हमारे जो हैं हाई पावर मैग्नेट हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि जो किसी भी मैग्नेट का जो रेड वाली साइड है वो नॉर्थ पोल होती है, ब्लू वाली साउथ होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि उसके ऊपर ये जो एज बने हुए हैं ये बने हुए हों या नहीं हों। तो ये हमारी है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हमेशा किसी चीज को बढ़ाता है, साउथ पोल कम करता है। अब अगर इनके दोनों घुटनों में पेन है, अगर हमारे पास केवल एक सेट है, एक सेट दो पीस का होता है, तो हमने जैसे अगर राइट में है तो इनको लिटाकर रेड वाली साइड रखनी है राइट पे। ये आप याद रखना, आर फॉर राइट आर फॉर रेड। ये नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल जो है हमारा वो हमने रखना है लेफ्ट साइड में। ये बात ध्यान रखना। और लिटा के जब भी हमने ट्रीटमेंट लेना है या किसी को देना है, इनका जो सर है वो नॉर्थ की साइड होना चाहिए। जो पेशेंट का सर है वो नॉर्थ की साइड होगा। इसको 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आपने रखना है। आप डेली दिन में दो बार रखिए, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर दोनों घुटनों में दर्द है तो फिर आपको कम से कम तीन पीस का मतलब आपको दो सेट तो लेने ही पड़ेंगे। तो आपका जो ये ट्रीटमेंट है एक ही बार में हो जाएगा। तो आपने तीन लिए, एक अलग रखिए। अब इधर हमारा नॉर्थ पोल है, राइट साइड हो गया ना ये, तो लेफ्ट साइड हमने रखे थे ब्लू। इधर से दिखाओ फोटो, इधर रेड है, इधर ब्लू हो गया, इधर रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया। ये आपने ध्यान रखना है, जो राइट साइड हमेशा नॉर्थ पोल आएगा, लेफ्ट साइड साउथ पोल, राइट साइड नॉर्थ पोल, लेफ्ट साइड साउथ पोल। अगर केवल एक घुटने में है इसमें तो इसको हटा लिया हमने, ये नॉर्थ है ये साउथ है। दोनों में है तो हमने ये तीन मैग्नेट लगाने हैं। ये तो हो गया घुटनों के लिए। अगर पूरी टांगों में दर्द रहता है तो हमारे को दो मैग्नेट चाहिए केवल। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट के नीचे पैर के नीचे नॉर्थ पोल और लेफ्ट पैर के नीचे साउथ। सर वही रहेगा नॉर्थ साइड में लेट के। ये आप डेली कीजिए। कितनी देर करना है, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक। स्टार्ट करना है 15 मिनट से फिर तो आधे घंटे तक। उससे सर्कुलेशन आपका पूरी बॉडी का बढ़ेगा। ये तो आपका दूसरा प्रोसीजर हो गया। तीसरा प्रोसीजर आपका वो ये है कि अगर आपके यहां पर पेन हो रहा बहुत ज्यादा, आपने केवल एक मैग्नेट लेना है इमरजेंसी में, तो ये ब्लू साइड से आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ऐसे रब करना है। कहीं भी पेन हो, यहां पर है तो यहां भी कर सकते हैं, किसी भी लग में हो, राइट या लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लू साइड हमने यूज करनी है पेन को कम करने के लिए। जो साउथ पोल है वो एनर्जी को कम करता है, रिड्यूस करता है, किसी भी चीज को कम करता है। सूजन है, सूजन को कम करनी है आपने, तब भी आप केवल एक मैग्नेट ब्लू साइड का यूज कर सकते हैं।
आप देखेंगे 10-15-20 मिनट करने के बाद आपका जो पेन है वो बहुत कम हो गया, आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपका एक मैग्नेट से हो गया। दो का जो है मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि दो मैग्नेट से हमने कैसे करना है और तीन मैग्नेट से कैसे करना है। राइट साइड में नॉर्थ पोल, लेफ्ट साइड में ब्लू साइड साउथ पोल। अब इधर जो है हमारा नॉर्थ पोल है, इधर हम रखेंगे साउथ पोल। ये तो हमारा हो गया आपका तीन मैग्नेट को रख के हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है। और अगर हमने वो तो आपको मैंने बताया था कि लेट के हमने कैसे करना है, अगर हमने इनको बिठाकर मैग्नेट लगाने हैं तो किसी भी आप चेयर पे या स्टूल पे बैठ जाइए, मगर इनके जो पैर हैं नीचे टच नहीं होने चाहिए लकड़ी के, लकड़ी पे ही रहेंगे, फर्स्ट को टच नहीं करेंगे। कोई भी मैग्नेट यूज करने से पहले हमने ये ध्यान रखना है कि हमने किसी लोहे के बेड के ऊपर या लोहे की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना है और हमने केवल लकड़ी या प्लास्टिक की चेयर पे बैठना है। फिर हमने दो मैग्नेट लेने हैं। रखने का तरीका, नीचे लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है कम से कम 4-5 इंच, नॉर्थ साइड रखेंगे हम राइट पैर के नीचे, बड़ा पैर रखो ऊपर थोड़ा पैर, और जो ब्लू साइड है साउथ पोल वो हम रखेंगे लेफ्ट साइड। कम से कम 1 फुट की दूरी जो है दोनों पैरों में होनी चाहिए, 1 फुट की जो दूरी है वो दोनों पैरों में होनी चाहिए। राइट साइड में रेड नॉर्थ पोल, लेफ्ट साइड में आपने रखना है ब्लू। वही 15 मिनट से लेकर 20-25 मिनट तक रखना है आपने। ये आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो पैरों की प्रॉब्लम है सारी ही धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। नी पेन इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम लगता है, क्योंकि नी पेन जो है आपका कोई एकदम से स्टार्टिंग हुआ, ये भी आपका 5-10-15 साल पुराने होते हैं, इसमें तो टाइम लगेगा लगेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि हमने मैग्नेट से पैरों की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फिर हमने नी पेन को और किस किस थेरेपी से ठीक करना है। टेंस मशीन से ठीक करना बताएंगे, नीडलिंग से ठीक करना बताएंगे आपको, और भी एक्सरसाइजेज हैं उसके सब बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।